नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं देशोर उपाध्याय। इन दोनों भगवान राम की गूंज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गूंज रही है, क्योंकि जिस दिन पीएम मोदी ने भगवान राम के मंदिर की आधारशिला रखी थी उस दिन अमेरिका समेत कई देशों से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें राम भक्त भगवान राम के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे थे। यानी कि 500 सालों के एक लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ ही राम युग की शुरुआत हो गई है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसे शेयर करके दावा किया जा रहा है कि दुनिया की सबसे मजबूत और महंगी करेंसी का नाम राम है। साथ ही बताया जा रहा है कि आज की तारीख में एक राम की कीमत 10 यूरो के बराबर है। बता दें कि एक यूरो फिलहाल 88.65 रुपए के बराबर है, यानी कि दावे के हिसाब से एक राम की कीमत लगभग 886 रुपए है। कहा जा रहा है कि ये मुद्रा आज भी चलती है और इसे हॉलैंड की डच सरकार ने मान्यता दी हुई है। सोशल मीडिया पर इस दावे को शेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत पटेल उमराव ने लिखा कि महर्षि महेश योगी ने हॉलैंड में आज से लगभग 20 साल पहले राम नाम से करेंसी चलाई थी। साथ ही प्रशांत ने 1, 5 और 10 राम का नोट भी शेयर किया जिस पर भगवान राम की तस्वीर बनी हुई है और साथ ही विश्व शांति राष्ट्र लिखा हुआ है, इस पर नीदरलैंड भी लिखा हुआ है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस दावे को आगे बढ़ाया और लिखा कि एक हमारे यहाँ के सेकुलर नेता हैं जो राम नाम को ही सांप्रदायिक मानते हैं और दूसरी ओर विदेशी सरकार है जो प्रभु राम को मान सम्मान दे रही है और उनके नाम पर करेंसी भी है। सोशल मीडिया पर तूफान की तरह वायरल हो रहे इन दावों की असल सच्चाई जानने के लिए हमने भी पड़ताल की तो पाया कि राम नाम की करेंसी हॉलैंड में है और इसे वहां मान्यता भी मिली हुई है। इस दौरान हमें फरवरी 2003 की एक बीबीसी की खबर मिली जिसके मुताबिक साल 2003 में नीदरलैंड में करीब 100 दुकानों, 30 गांव और शहर के कुछ हिस्सों में राम मुद्रा चलती थी। उस वक्त तो डच सेंट्रल बैंक ने कहा था कि वो राम मुद्रा पर नजर बनाए हुए हैं। उन्हें विश्वास है कि महर्षि महेश योगी की संस्था क्लोज ग्रुप में ही इस करेंसी का इस्तेमाल करेगी और कानून से बाहर जाकर कुछ नहीं करेगी। महर्षि मूवमेंट के वित्त मंत्री रहे बेंजामिन फेल्डमैन ने कहा था कि गरीबी से लड़ने में राम मददगार साबित हो सकते हैं और कृषि में इसके उपयोग को बढ़ावा मिलना चाहिए। फिलहाल इसे आर्थिक विशेषज्ञ वेरियर बॉन्ड या लोकल करेंसी कहते हैं। नीदरलैंड के 30 शहरों में इसका उपयोग किया जाता है। लोबा में स्थित महर्षि सिटी को इसकी राजधानी कहा जाता है। आपको बता दें कि नीदरलैंड के अलावा अमेरिका में भी भगवान राम की करेंसी चलती है। हालांकि इन नोटों को वहां आधिकारिक मुद्रा नहीं माना गया है बल्कि एक खास सर्कल के भीतर इस्तेमाल होती है। अमेरिका के एक स्टेट अयोवा की एक सोसाइटी के भीतर राम मुद्रा चलती है। यह अमेरिकन इंडियन जनजाति आयवे के लोग रहते हैं। अमेरिका की इस सोसाइटी के लोग महर्षि महेश योगी को मानते हैं। महर्षि वैदिक सिटी में बसे उनके अनुयायी कामों के बदलों में इस मुद्रा में लेन देन करते हैं। साल 2002 में द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस नाम की एक संस्था ने इस मुद्रा को जारी किया और समर्थकों में बांटा। तो वहीं एक राम मुद्रा का मूल्य 10 अमेरिकी डॉलर तय किया गया। इस तरह के 3 नोटों का मुद्रण हुआ। जिस नोट पर एक राम उसका मूल्य 10 डॉलर, जिस पर 2 उसकी कीमत 20 डॉलर और जिस पर राम की 3 तस्वीर छपी हुई थी उसकी भी कीमत 20 अमेरिकी डॉलर के बराबर आंकी गई। आश्रम के भीतर सदस्य इनका इस्तेमाल आपस में करते हैं। आश्रम से बाहर जाने पर राम मुद्रा के मूल्यों के बराबर डॉलर लेते हैं। तो वहीं दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के नोट पर गणेश जी की तस्वीर छपी हुई है। इंडोनेशिया की करेंसी को रुपया कहते हैं। वहां 20,000 के नोट पर भगवान गणेश की फोटो है। दरअसल भगवान गणेश को इंडोनेशिया में शिक्षा, कला और विज्ञान का देवता माना जाता है। 20,000 के नोट पर सामने भगवान गणेश की तस्वीर और पीछे क्लासरूम की तस्वीर है जिसमें टीचर और स्टूडेंट हैं। साथ ही नोट पर इंडोनेशिया के पहले शिक्षा मंत्री हजर देवांत्रा की भी तस्वीर है। देवांत्रा इंडोनेशिया की आज़ादी के नायक रहे हैं। इंडोनेशिया में करीब 90% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। वहाँ सिर्फ 3% हिंदू आबादी है। इसके बावजूद भी यहाँ ढेर सारे हिंदू मंदिर हैं। रामायण का भी पाठ होता है और यहाँ के लोगों के नाम हिंदुओं के नाम पर ही रखे जाते हैं। इंडोनेशिया और भारत में काफ़ी सारी सांस्कृतिक समानताएं देखने को मिलती हैं। इसीलिए हमारी पड़ताल में सामने आया कि ये दावा सही है कि राम करेंसी को हॉलैंड में डच सरकार की मान्यता मिली हुई है और इसकी कीमत 10 यूरो है। लेकिन बात लीगल टेंडर की हो तो इसे दुनिया की सबसे महंगी करेंसी नहीं कह सकते क्योंकि ये करेंसी लोकल करेंसी है।
इसीलिए आपके पास भी इस तरह कोई तस्वीर या वीडियो हो जिस पर आपको शक हो, उसे हमारे साथ साझा करें। हम उसकी पड़ताल करके सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।